नमस्कार, न्यूज नेटवर्क इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है। यहाँ जिला प्रशासन की ओर से लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। 4 जून को यहाँ भी मतगणना होगी। डीएम ने प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की है। मतगणना स्थल पर मोबाइल सहित किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। डीएम मनीष बंसल ने विस्तृत जानकारी मीडिया से भी शेयर की। वेयरहाउस में मतगणना होगी। 4 जून को सुबह 6:30 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। यहां संभल लोकसभा के असमोली, संभल, चंदौसी और बदायूं लोकसभा के गुन्नौर विधानसभा के मतों की गणना होगी। मतगणना अभिकर्ता के मतगणना स्थल से एक बार बाहर निकलने के बाद दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आइए सुनते हैं क्या कहा संभल डीएम मनीष बंसल ने। 4 जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होनी है। इसमें बिहजोई स्थित वेयरहाउस में 4 विधानसभाओं का स्ट्रांग रूम है और वहीं पर उन 4ों विधानसभाओं की मतगणना भी होनी है, जिसमें 3 विधानसभाएं संभल लोकसभा की और 1 विधानसभा बदायूं लोकसभा की है। अगर मैं संभल लोकसभा की बात करूं तो उसकी तो 2 विधानसभाएं कुंदरकी और पिलारी हैं। उनकी जो काउंटिंग है वो जिला निर्वाचन अधिकारी मुरादाबाद के पर्यवेक्षण में मुरादाबाद में स्थित काउंटिंग हाउस में होगी। हमने हमारे लोकसभा संभल के समस्त प्रत्याशियों के साथ बैठकर जितनी भी तैयारियां हैं उनके संबंध में एक बैठक कर ली है और उनको विभिन्न दिशा निर्देशों से अवगत करवाया है। मतगणना के दिन प्रातः 6:30 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसके बाद 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें ईवीएम की मतगणना और पोस्टल बैलेट की भी मतगणना भैजोई स्थित वेयरहाउस में ही होगी। जो हमारे परिसर है उसके 2 गेट हैं और उन दोनों गेट्स के 100-100 मीटर की दूरी पर कम्प्लीटली जो पेडेस्ट्रियन जोन बनाया जाएगा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का वाहन अलाउड नहीं होगा। इसके लिए पुलिस ने समस्त अपनी ड्यूटीज और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की है और पूरे जो मतगणना हॉल्स हैं उन पर टेबल वार एजेंट्स, प्रत्याशी जो हैं वो अपने काउंटिंग एजेंट्स तैनात कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी उनको दे दी गई है। उन एजेंट्स को किसी भी प्रकार से वहाँ पर एक बार अपना स्थान ग्रहण करने के बाद अपना स्थान छोड़ने की अनुमति काउंटिंग की समाप्ति तक नहीं होगी, ये भी उनको अवगत करवा दिया गया है। जो पूरा मतगणना परिसर है वो कम्प्लीटली उसमें मोबाइल फ़ोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो पूर्ण रूप से वर्जित होगा और पूरी मतगणना एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में CAPF की उपस्थिति में और कंप्लीट CCTV की निगरानी में 360 डिग्री व्यू में हम लोग करवाएंगे, जिसकी सारी तैयारियां हम 31 मई तक पूरी कर लेंगे। उसके बाद जो पर्यवेक्षक महोदय हैं वो भी उनका आगमन होगा और उनके द्वारा भी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पूरा शांतिपूर्वक तरीके से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काउंटिंग को करवाया जाएगा और सभी तैयारियां इसके लिए हम लोगों ने कर ली। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अलग अलग महत्वपूर्ण खबरों से हम समय समय पर आपको अपडेट कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।